पीलीभीत के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तीमारदारों के रैन बसेरे की निकासी को लेकर दो सीएमएस आपस में भिड़ गए। सीएमएस रतन पाल सुमन और सीएमएस अनिता चौरसिया के बीच तीखी नोकझोंक हुई। रैन बसेरे तक पहुंचने के लिए रास्ते को लेकर दोनों के बीच बहस हुई। हमारे यहाँ रैन बसेरा पुरुष का पहले से बना हुआ था, उनका रास्ता भी पीछे से पहले से था। बाद में रैन बसेरा महिला अस्पताल का अलग बनाया गया, उसका रास्ता भी हमारे महिला अस्पताल की तरफ से ही है। पीछे से बिल्कुल दीवार उठी हुई थी, कोई वहाँ से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जो 100 बेड का अस्पताल बन रहा था, उन्होंने सामान रखने के लिए रास्ता तोड़ दिया था हमारे यहाँ महिला अस्पताल से आंगन में। उन्होंने एक कोने में अपना सामान चोरी न हो जाए इसलिए रख लिया था, तो इसलिए वो दीवार तोड़ दी गई थी उस समय। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे पास थोड़ा पैसा आया तो मैंने वहाँ पे चैनल लगवा दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ महिला जो है वो धूप में नीचे वहाँ पे रैन बसेरे में धूप सेकती हैं, बैठती हैं, उठती हैं। पहले भी यहाँ पे 2-3 साल पहले इसी चैनल के उससे बच्चा भी चोरी हो चुका है यहाँ पे, और कई सामान हमारे यहाँ से बाहर से चोरी हो जाते हैं। इसलिए हमने हमारे पास चौकीदार से फेक रहता है जो मेन गेट पे रहता है, पीछे की तरफ कोई चौकीदार नहीं रहता, इसलिए हमने सारे गेट उधर से बंद करवा दिए थे। अब जो हमने जेई से भी बात करी, जेई ने कहा अब मेल सीएमएस का ये कहना है कि हम आपके रैन बसेरे के अंदर से रास्ता लेंगे और लेके फिर हम पुलिस अस्पताल का जो पीछे का रैन बसेरा वहां पे हमारे मरीज जाया करेंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि पुलिस अस्पताल के आज जो तीमारदार हैं वो इतने सारे होते हैं, वो सारे हमारे महिला अस्पताल के रैन बसेरे से होके सब जाएंगे पीछे। इस मामले को किसी से संज्ञान में दिया आपने? हाँ, मैंने मजिस्ट्रेट मैडम से अभी फोन पे बात करी है, उन्होंने कहा है कि मैं भी नोएडा जा रही हूँ ट्रेनिंग पे, उसके बाद जब मैं लौटूंगी तो उन्होंने कहा 12 तारीख को मैं आके वहाँ पे निरीक्षण करेंगे, फिर आपके जो है जितना हो सकेगा करेंगे। वैसे भी सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जितना ध्यान दे रही, तो इस पर भी सबको ध्यान देना चाहिए।